भारत समझ खबर। ये आज जनपद जौनपुर में सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर जो है स्वाट की टीम और जनपदीय पुलिस टीम सरपथा थाना क्षेत्र में फॉम्बिंग कर रही थी। उस दौरान फॉम्बिंग के दौरान दो बदमाश थे और उनको रोकने के लिए कहा गया, उनके द्वारा फायरिंग की गई जिसमें दो पुलिसकर्मी फायर रन इंजरी हुई घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें एक बदमाश को गोली लगी है और वो दूसरा बदमाश वहाँ से फरार हो गया है। जिस अभियुक्त को गोली लगी थी उसको PHC ले जाया गया, वहां उसकी हालत गंभीर थी, उसको देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। साथ ही दोनों घायल पुलिसकर्मियों को भी PHC से जिला अस्पताल यहां रेफर किया गया है और यहां अभी डॉक्टरों से बात हुई है तो इन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया है। प्रथम दृष्टया अभी तक की जांच पड़ताल के आधार पर जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम सतीश सिंह सामने आया है, जो कि सरायख्वाजा थाने का हिस्ट्री शीटर है और एक गैंग वहां का पंजीकृत है, उस गैंग का सदस्य है। ये व्यक्ति को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा थी और 2010 में ये वाराणसी में चौबेपुर थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 12 साल से आजीवन कारावास की हत्या से फरार था। इस दौरान ये भी सामने आया कि इसने वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की हत्या की थी जो कि कॉन्ट्रेक्टर थे और इसके साथ ही एक ग्राम प्रधान की 2021 में इसके द्वारा हत्या की गई थी। ये ग्राम प्रधान संभवतः 19 वाली हत्या में गवाह थे, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जनपद आजमगढ़ में एक डकैती हुई थी जिसमें आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र से वांटेड था और श्री आजमगढ़ द्वारा इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वर्तमान में भी 2019 में IG रेंज महोदय वाराणसी द्वारा 150,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और साथ ही साथ ये जो फरार हुआ था जनपद वाराणसी के चौबेपुर से वहां से भी इस पर पुरस्कार की राशि घोषित की गई थी। इस पूरे मुठभेड़ के दौरान एक बाइक, एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद की गई है। बाकी चीजें अभी जांच पड़ताल की जा रही है, टीमें हमारी अभी कॉम्बिंग भी कर रही है क्षेत्र में, आगे जैसी स्थिति होगी आप लोग को अपडेट करना। कितने का इनाम था, कुल कितने का इनाम था? इस पे कुल इनाम अभी तक जो निकल कर सामने आया है उसमें 50,000 का आईरेंज वाराणसी महोदय का, 25,000 SP आजमगढ़ का और कुछ राशि इसके इनाम की घोषित की गई थी वाराणसी से चौबेपुर से, जिसकी सूचना भी एकत्र की जा रही है। ये घटना कैसे की है, उसके बारे में कुछ सूचना? इसका जो साथी फरार था उसके बारे में अभी टीमें वर्कआउट कर रही है, जैसे हमें और डिटेल पता चलेगा आप लोग को अवगत करा। कौन कौन टीम थी इसमें सर?